दोस्तों, आज सुबह रोज की तरह हम अपने फेसबुक पेज क्रिक माइंड के लिए न्यूज पोस्ट तैयार कर रहे थे, तो एक ऐसी खबर आंखों के सामने आई जिसने कुछ देर के लिए दिमाग सुन्न कर दिया और होठ दुआ करने लगे कि काश ये खबर झूठी हो। लेकिन कुछ देर बाद कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस समेत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक बयान ने यह साफ कर दिया कि 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमके क्रिकेट के सबसे आकर्षक ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एंड्रू साइमंड्स जिन्हें उनके करियर के दौरान अय्यास, बेशर्म और न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन मस्त मौला साइमंड्स इन सब बनावटी बातों से दूर अपनी अलग ही दुनिया में मगन रहे। शेर की तरह क्रिकेट खेला, शानदार जिंदगी गुजारी और आज बिना किसी को अलविदा कहे और रुखसत हो गए। यही वजह कि आज कई दिल गम में डूबे हैं और आंखें नम हैं। जिनमें से एक ऐसे ही फैन ने यह आर्टिकल लिखा है, इसलिए ये वीडियो नारा टीवी के अन्य एपिसोड से काफी अलग है, क्योंकि इस वीडियो में तथ्य कम एहसास ज्यादा है। इसलिए वीडियो एक बायोग्राफी प्रस्तुति नहीं बल्कि ट्रिब्यूट है एंड्रू साइमंड्स को, जिन्होंने हर भारतीय क्रिकेट फैंस के बचपन को यादगार बनाने के लिए खुद को एक विलन बना लिया। तो चलिए फिर इस दिलेर खिलाड़ी की अविश्वसनीय कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो बहुत से क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में आता है कि ऑस्ट्रेलिया से होने के बावजूद एंड्रू साइमंड्स का लुक काफी कुछ वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों से क्यों मिलता था। दोस्तों, यूं तो इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन साइमंड्स की जिंदगी को इस सवाल के जवाब ने एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया था। दरअसल हकीकत यह है कि साल 1975 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जन्मे एंड्रू साइमंड्स के बायोलॉजिकल माता पिता में से कोई एक कैरिबियाई मूल के थे तो दूसरे यूरोपीय थे, जबकि 3 महीने के एंड्रू साइमंड्स को गोद लेने वाले ब्रिटिश मूल के केन और बारबरा कुछ साल बाद ऑस्ट्रेलिया चले आए थे। इस तरह अनाथ एंड्रू को साइमंड सरनेम मिला और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली। साइमंड्स की पैदाइश के बाद के कुछ महीने जहां बहुत अजीबोगरीब थे, वहीं उनके आगे की जिंदगी गोद लेने वाले पिता केन ने खुशियों से भर दी। पिता केन स्कूल जाने से पहले और आने के बाद एंड्रू के साथ क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल जैसे खेल खूब खेला करते थे। साथ ही जब साइमंड जूनियर लेवल पर टाउन्सविले में वांडरर्स क्लब के लिए क्रिकेट खेला करते थे, तो बाप बेटे की ये जोड़ी कभी कभी हफ्ते में 2 बार 270 किलोमीटर की ट्रिप तक किया करते थे। सादा लफ्जों में कहें तो एंड्रू साइमंड्स अपने पिता से बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि साइमंड्स ने रग्बी पसंद होने के बावजूद क्रिकेट में करियर बनाने की सोची, क्योंकि साइमंड्स के पिता क्रिकेट को लेकर दीवाने थे। ये पिता की दुआओं और साइमंड्स की जिद का ही नतीजा था कि मात्र 19 साल के साइमंड्स ने क्वींसलैंड के लिए प्रथम श्रेणी डेब्यू किया और अगले साल 1995 में काउंटी चैंपियनशिप का भी हिस्सा बने। इस दौरान ही काउंटी मैच में 16 छक्के लगाकर साइमंड्स ने एक प्रथम श्रेणी मैच में सबसे अधिक छक्के लगाने का वो करिश्माई रिकॉर्ड बनाया जो अगले 20 साल बाद न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने तोड़ा था। साइमंड्स की इस ऐतिहासिक पारी ने दुनिया भर में उन्हें मशहूर कर दिया था, लेकिन 6 फुट 3 इंच के इस आक्रामक ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते खेलते कैलेंडर पर साल 1998 आ गया था। अपने डेब्यू के बाद औसत प्रदर्शन के चलते अगले कुछ सालों तक एंड्रू साइमंड्स टीम में आते जाते रहे, लेकिन साल 2003 में जब रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने तो उन्होंने साइमंड्स की चीते जैसी फुर्ती को फील्डिंग में, हाथी जैसी ताकत को बैटिंग में और लोमड़ी जैसे दिमाग को गेंदबाजी में इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे दी, जिसका नतीजा ये रहा कि साइमंड्स को 2003 विश्व कप की खोज माना गया और पाकिस्तान के विरुद्ध लगाए गए उनके शतक को बेस्ट रनिंग काउंट किया गया। फिर क्या था, इस तरह कई प्रदर्शनों के बाद विश्व क्रिकेट में साइमंड्स की तूती बोल रही थी। टीम घंटों साइमंड्स के खेल पर स्ट्रेटेजी बनाती थी। साइमंड्स का करियर महानता की सीढ़ी चढ़ता दिख रहा था, लेकिन फिर आया 2008 का वो सिडनी टेस्ट जिसमें हुए मंकी गेट स्कैंडल ने एंड्रू साइमंड्स के करियर को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि साइमंड्स इससे पहले भी कई बार अनुशासनहीनता के चलते बदनामी झेल चुके थे, मगर सिडनी टेस्ट में हुए विवाद ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत सताया, जिसके चलते ही साइमंड्स शराब का और ज्यादा सेवन करने लगे। इसके बाद साइमंड्स की इस लत को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2009 T20 वर्ल्ड कप से घर वापस भेज दिया और इस तरह एंड्रू साइमंड्स के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर ब्रेक लग गया। हालांकि साइमंड्स अगले कुछ सालों तक लीग क्रिकेट खेले और फिर आखिर में उन्होंने 2012 में परिवार को वक्त देने के बाद को कहते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, लेकिन बतौर कमेंटेटर एंड्रू साइमंड्स आज तक क्रिकेट से जुड़े हुए थे। दोस्तों, यूं तो एंड्रू साइमंड्स को आज एक बेफिक्र, लापरवाह और बेशर्म खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि साइमंड्स अपने जोन में ज्यादा रहना पसंद करते थे। वे ज्यादातर अकेले ही रहते थे और एक पेट डॉग के साथ किसी झील के किनारे फिशिंग करते या पूल किनारे बैठकर बियर पीते मिल जाया करते थे। यही वजह है कि उनके साथी खिलाड़ी उनको अनुशासनहीन जरूर कहते हैं, लेकिन खराब इंसान नहीं बताते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि साइमंड्स ने साल 2008-09 में ल्यूकेमिया से प्रभावित बच्चों की चैरिटी के लिए अपना वो ड्रेडलॉक हेयर स्टाइल त्याग दिया था, जिसकी वजह से आज भी साइमंड्स की एक अलग तस्वीर फैंस के जहन में छपी हुई है। मगर दुनिया को दिल से चाहने वाले साइमंड्स ने भलाई के लिए अपनी बाकी की जिंदगी को गंजे रहकर ही गुजारी। यही वजह है जो साइमंड्स को उनके फैंस के लिए अन्य क्रिकेटर्स से काफी अलग बनाती है। जबकि भारतीय क्रिकेट फैंस में साइमंड्स की लोकप्रियता की मुख्य वजह साल 2011 में बिग बॉस सीजन 5 में आना, मंकी गैट स्कैंडल के बावजूद हरभजन सिंह को करीबी दोस्त बताना
और अक्षय कुमार स्टारर पटियाला हाउस में अपना ही रोल निभाने को गिना जाता है। हालांकि आज की सुबह के बाद से ये बातें सुनहरी यादें बनकर रह गई हैं और एंड्रू एक धीमी मुस्कुराहट के साथ सबको उदास छोड़कर चले गए हैं। एंड्रू की कमी क्रिकेट जगत कभी नहीं भर पाएगा क्योंकि 46 साल कोई उम्र नहीं होती है यूं दिल दुखाने वाला अलविदा कहने की। आज एंड्रू की मौत पर कई क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना दिल खोल कर रख दिया है तो कई इंसानों को ये सोचने पर मजबूर भी किया है कि क्या रखा है नफरत गुरूर और जलन ने, क्योंकि सच तो ये है कि हमारी जिंदगी साख पर लगे फूल से भी ज्यादा नाजुक पड़ाव पर है। अलविदा साइमन।